हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद दितिमन में। यहाँ हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय राजस्थान में जो वैकेंसी आई है टीचर्स की, जहाँ पर मैं आप लोगों को पिछली वैकेंसी के बारे में भी बताऊंगी कि वो वैकेंसी कब आई थी, और अभी जो बिल्कुल न्यू जो वैकेंसी है वॉक इन इंटरव्यू बाल वाटिका टीचर्स की, वह 15 जुलाई का जो है वो पब्लिश डेट है। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है वो 15 जुलाई को आ चुका है। एक स्टूडेंट का ये कहना था कि मैम, मैंने वीडियो जब देखा जब डेट निकल गई। कई बार ऐसे होता है कि 2 दिन पहले ही मेरे पास नोटिस आ पाता है तो मैं वीडियो जो है उसी वक्त बना देती हूँ, लेकिन यूट्यूब जो है वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन 2 दिन बाद भेजे, तो ऐसे में डेट निकल जाती है और आपके पास जो अपॉर्चुनिटी होती है वह भी चली जाती है। जैसे कि अभी जो वैकेंसी है वो बाल वाटिका टीचर्स की राजस्थान में आई है टोंक जिले से। 15 जुलाई को जो है वो पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। इंटरव्यू कब है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा आपका। बहुत अच्छी बात यहाँ पर रहती है अगर आप यहाँ पर जॉब ले लेते हैं, और नेक्स्ट ईयर जब परमानेंट वैकेंसी आएगी यहाँ पर, तो सबसे पहले जो है वो आप ही को यहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के इंटरव्यू के लिए एक लाइन कहने को हो जाती है कि मैंने यहाँ पर जो है वो अपना 1 साल का एक्सपीरियंस लिया है। इसके साथ ही जो है वो आप देख सकते हो कि पिछला जो वैकेंसी यहाँ पर निकली थी PRT TGT PGT की, ठीक है, तो यहाँ पर पैनल ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू 2023-24, तो ये जो है वो 12 अप्रैल को जो है वो पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये डेट जो है वो निकल चुकी है। बच्चों को समय पर नहीं पता लग पाता है और वो वेट कर रहे होते हैं कि राजस्थान में वैकेंसी निकलेगी तो हमें जो है वो पता कब चलेगा। तो आप लोगों को समय पर जो है वो आप लोगों के पास वीडियो पहुंचे, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को प्रेस करना ही होगा, ताकि आपके पास जो है वो डेली के डेली वीडियो जो है वो पहुंचे और डेली आप देखा करें। कई बार ऐसी वैकेंसी होती है जहाँ पर जो है लास्ट डेट नहीं दी होती है, लेकिन जिस दिन नोटिस आता है उसके जो है वो 7 और 10 दिन के बीच तक जो है वो आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन करने का कोई भी फायदा नहीं होता है। तो केंद्रीय विद्यालय टोंक से ये वैकेंसी है, और केंद्रीय विद्यालय टोंक जो है ये कहाँ है, राजस्थान जिले में है, और एड्रेस इसका है ग्राम यूसुफपुरा जराई राजस्थान जिला टोंक। ठीक है, ये आपका एड्रेस रहेगा जहाँ पर आपको जो है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए पहुँचना है। समय पर रिपोर्टिंग करनी है, 8:30 बजे आपको स्कूल में पहुँच जाना है। अब ये 15 जुलाई की जो है ये विज्ञापन जारी हुआ है, और आप लोग अगर स्पीड पोस्ट भी करते हैं तो हो सकता है समय पर ना पहुँचे, आप डायरेक्ट जो है वो स्कूल में जो है रिपोर्टिंग करें। ठीक है, बायोडाटा यानी एप्लीकेशन फॉर्म लेके, अपने डॉक्यूमेंट लेकर, और 2 जो है वो फोटोग्राफ जो है वो साथ में जरूर लेकर जाएं। उसके बाद जो है वो आप योग्यता यहाँ पर क्या मांगी गई है, तो जो है हर वीडियो में जहाँ केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका टीचर्स की वैकेंसी आई है सभी में मैं बताती हूँ कि 12th जो है वो आपकी मांगी गई है 50% अंकों के साथ। डिप्लोमा मांगा गया है नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम जो कि 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। बीएड मांगी गई है नर्सरी बीएड। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। यहाँ पर जो है ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आप डायरेक्ट जाके जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म और कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिलेगा। एज की अगर हम बात करें तो एज जो है वो 18 से 65 साल तक रहेगी, और हर कोई यहाँ पर फॉर्म जो है वो फिल कर पाएगा, कोई भी फीस आपकी यहाँ पर नहीं लगेगी। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग आपकी क्या रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही रहेगी। ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें तो इंटरव्यू उसी में आप दें। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजायरेबल। ठीक है, यहाँ पर अन्य है कि कंप्यूटर में अगर नॉलेज है आपको तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ जो है 5 पेजेस की जो है यह PDF फाइल है, जिसमें नंबर 3 पेजेस पर जो है दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इसको आप जो है भर लें, जिस दिन इंटरव्यू देने जाना है आपको उस दिन आप जो है वो घर से इसको जो है वो पूरा भर के लेकर जाएं, अपना जो है नाम पता एड्रेस डेट ऑफ बर्थ अपनी सारी क्वालिफिकेशन। ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर है तो यहाँ शो करें, नहीं है तो छोड़ दें, लास्ट में सिग्नेचर वगैरह करके। और फिर जो है यहाँ पर ईमेल आईडी जो है वो आप वही दें जो कि आपकी करंट में हो, जिसको आप यूज़ कर रहे हो, ताकि आप लोगों को तुरंत जो है ये मेल कर सकें। फ़ोन नंबर भी वही जो है वो आपको देना है जो आप जो है यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो आप इंटरव्यू देंगे और आपके पास जो है वो कॉल आएगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छी बात रहती है यहाँ पर, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो नेक्स्ट ईयर जब परमानेंट वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों को यहाँ पर लिया जाएगा। थैंक यू।